हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप गुप्ता, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज पे हम लोग आज फर्स्ट में पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, प्लीज वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है ये कि 12 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% नमक मिला हुआ है। मिश्रण को गर्म कर 2 लीटर पानी वाष्पित करा दिया जाता है, तो बताइए मिश्रण में नमक का प्रतिशत कितना होगा। अब तो देखिए क्या करेंगे फर्स्ट हम लोग फ्रेंड्स, कि सबसे पहले इसमें रूल है कि जो कांस्टेंट है उसका प्रतिशत लेकर समीकरण बनाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही हमारा रूल है फ्रेंड्स, कि जो कांस्टेंट होगा उसी का प्रतिशत लेकर हम लोग समीकरण बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि 12 लीटर नमक और पानी का घोल है जिसमें 4% जो है नमक मिला हुआ है। तो हमको क्या करना है, 4% नमक मिला हुआ है। अब आगे क्या किया है कि 2 लीटर पानी वाष्पित करा दिया है। तो 2 लीटर पानी वाष्पित करा दिया तो हमारा कितना हो गया, 10 लीटर पानी और बचा मिश्रण और बचा। तो अब 10 लीटर मिश्रण में पूछ रहा है कि नमक कितना परसेंट है। तो नमक मान लीजिए कि हमारा x परसेंट है, तो दोनों तक परसेंटेज हट जाएगा फ्रेंड्स। तो टोटल हमारा ये आ जाएगा 10x = 48 और x = आ जाएगा हमारा 4.8% नमक मिला हुआ है अब मिश्रण में। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा 20 लीटर शरबत में 5% चीनी मिला है, यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो चीनी का प्रतिशत बताइए, चीनी का प्रतिशत मिश्रण में अब कितना हो जाएगा। तो हमारा 20 लीटर शरबत है फ्रेंड्स, 20 लीटर शरबत है जिसमें चीनी क्या है, चीनी 5% है। देखिए पानी इसमें मिला रहा है तो कांस्टेंट क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट चीनी हुआ। तो चीनी का परसेंट देखकर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो 20 का 5% चीनी मिला हुआ है, तो अब बोल रहा है कि 5 लीटर पानी और बढ़ा दीजिए भाई साहब। तो 5 लीटर पानी और बढ़ा दिए, तो अब पूछ रहा है कि चीनी का परसेंट कितना है। तो चीनी का परसेंट निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा आ जाएगा देखिए x = आ जाएगा ये 20/100/25 हो जाएगा, = हमारा आ जाएगा 25/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, 4%। तो पहले चीनी की मात्रा कितनी थी शरबत में, 5%, अब हो गए चीनी की मात्रा 4%। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आइए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी मिला है, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि बने मिश्रण में पानी 25% हो जाए। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे फ्रेंड कि कौन सा पार्ट हमारा कांस्टेंट है। तो इसमें देखेंगे कि पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हमारा कांस्टेंट क्या हुआ, दूध हुआ। तो हम लोग दूध का प्रतिशत लेकर समीकरण बनाएंगे। तो मिश्रण सबसे पहले देखेंगे मिश्रण कितना है फ्रेंड, मिश्रण हमारा 40 लीटर है फर्स्ट में। तो 40 लीटर मिश्रण में दूध कितना है हमारा, 10% पानी मिला हुआ है, तो दूध की मात्रा हो जाएगी 90% = हम ये बोल रहा है कि कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो 40 लीटर का मिश्रण था ही, मान लीजिए 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब पूछ रहा है कि बने मिश्रण कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि बने मिश्रण में पानी 25% हो जाए। अगर पानी 25% हो जाएगा फ्रेंड तो दूध की मात्रा हमारी कितनी हो जाएगी, 75%। तो पहले कितनी थी 90% और अब हो गई है 75%, अगर 25% हमारी पानी हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 75%। अब सिंपली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन आगे, तो 40+x = ये हो जाएगा 40 × 90/75। इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 5 × 8 = 40, 8 × 6 = 48। तो ये हो जाएगा 40+x = हमारा हो जाएगा 48,
और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 48 माइनस 40 x बराबर आ जाएगा हमारा 8 लीटर, मतलब कि उसको 8 लीटर पानी और पिलाना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आइए इसको नेक्स्ट चार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का प्रतिशत अंतर पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स अभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवारों को क्रमशः 28% एवं 32% मत प्राप्त होता है। यदि चुनाव में जीत और हार का फैसला 1800 मतों से हुआ हो तो बताइए कि विजेता उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए टोटल हमारे मत जो है उसकी संख्या कितने बराबर हो जाएगी फ्रेंड्स, 100% के बराबर होती है। तो 100% माइनस 28 और माइनस 32 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40%। और ये 40% मत कौन पाया है फ्रेंड्स, 40% मत हमारा विजेता उम्मीदवार पाया है जो कि इन दोनों से अधिक है, इसलिए वह जीत गया है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, जो बीच में है उसी से तो ये उसका निकालेंगे हम लोग कि कितने मतों से वो जीता है। तो देखिए ये 32 और 40 में डिफरेंस कितना है, 8% का डिफरेंस है। तो ये 8% हमारा किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 8% हमारा 1800 मतों के बराबर हो जाएगा क्योंकि विजेता उम्मीदवार टोटल 1800 मतों से जीता हुआ है। तो 8% इक्वल टू 1800 मत, 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1800 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको हम नुकसान करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा ये 8 5 40, 5 बार में कट जाएगा, 18 5 90, ये 90 हो गया और ये 2 0 और हो गया तो हमारा आ जाएगा 9000। तो टोटल वन 9000 मत से जीता है विजेता उम्मीदवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि प्रतिशत अंतर पर आधारित ही है। तो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ और 960 मतों से वह चुनाव जीत गया। तो बताइए टोटल उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। तो हम लोग को कैसे निकलेगा फ्रेंड्स देखते हैं। तो टोटल जो होता है किसी भी चुनाव में टोटल मत जो होगा वो 100% के बराबर होता है फ्रेंड्स। तो 100% जीतने वाला कितना पाया है, 58%। तो हारने वाला कितना पाएगा फ्रेंड, हारने वाला पा जाएगा आपका 42% मत। ठीक, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 16% का अंतर है। तो ये 16% हमारे कितने बराबर है, 16% बराबर है 960 के, क्योंकि 960 मतों से वो चुनाव जीता है। तो हमारा 100% कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 960 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 16। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो सिंपल आ जाएगा हमारा 16 6 96, टोटल आ जाएगा हमारा 6000 मत। तो टोटल उस चुनाव में 6000 मत पड़े थे फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको देखे क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस बार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, डाले गए मतों में से 25% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। जो चुनाव की कमेटी है वो जो है कि जितना वोट पड़ा था उसका 25% मत अवैध घोषित कर दिया। तो देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ तो वह 2160 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 100% टोटल मत तो 100% के बराबर होगा, तो 100% माइनस विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ है, 52 इक्वल टू हारने वाला को कितना मिल जाएगा, 48% हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, तो दोनों में डिफरेंस हमारा 48 और 52, 4% का हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि
मान लीजिए टोटल कुल मत मानक कुल मत इक्वल टू एक्स के बराबर है, तो एक्स का 25% अवैध घोषित हुआ तो कितना परसेंट वैध है, 75% जो कि 100% के बराबर है, तो 75/100। और टोटल हमारा डिफरेंस कितना आया, 4% आया है, 4/100। और ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड, ये बराबर हो जाएगा हमारा 2160 मत के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड, 25 टाइम 75, 25 4 चार से चार कट गया, ये होगा हमारा x इक्वल टू 2160 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 7 21, 3 2 6 0, ऐसे कट जाएगा फ्रेंड। तो अभी आ जाएगा हमारा 72 72,000 मत टोटल उस चुनाव में पड़े थे, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की ली गई और परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है, यही हमको बताना है। तो हम कैसे निकालें फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई परीक्षा हो रहा है, उसमें अगर कोई लड़का 28% नंबर ला रहा है तो वह 12 अंकों से फेल हो जा रहा है, और उसी परीक्षा में दूसरा लड़का 32% नंबर ला रहा है तो वह 6 नंबर से फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है फ्रेंड्स, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हमारा निकल जाएगा 28 और 32 का डिफरेंस 32 - 28 = 4। चार परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, और ये 4% किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, 4% हमारा बराबर हो जाएगा 6 के, 4% हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है कि परीक्षा में कुल कितने अंक, परीक्षा कुल कितने अंकों की ली गई थी। तो 4% = 6, तो 100% = हो जाएगा हमारा 6 × 100/4 हो जाएगा। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 × 100, 25 × 150। तो टोटल जो है परीक्षा का मार्क है वो टोटल मार्क पूर्णांक जो है वो हमारा 150 नंबर है, परीक्षा टोटल 150 नंबर का लिया गया है। अब 150 नंबर में तो हमारा निकल गया टोटल परीक्षा कितने नंबर का है, तो 150 नंबर का है, ये हमारा आंसर रहेगा। अब पूछ रहा है कि न्यूनतम पासिंग मार्क, तो हम लोग न्यूनतम पासिंग मार्क हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो ये टोटल नंबर है हमारा 150, तो ये हमारा देखिए अगर 28% रहता, 28% प्लस कर देंगे हम लोग 12, तो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा ये कट गया और ये कट जाएगा हमारा 2 5 10 और ये हो जाएगा 14 5 15 14 42 और प्लस 3 ये कितना हो गया, तो 2 4 हो जाएगा और 4 5 54 नंबर को लाएगा तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये परसेंटेज का हमारा नेक्स्ट टाइप है समुच्चय।
मतलब कि सेट पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को कुछ पॉइंट्स जानना होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें हम लोगों को समझना होता है कि किसको क्या हम लोग बोलते हैं, किस क्या लिखने पर उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए मान लीजिए एन ए यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू मान लीजिए हमारा हो जाएगा ये दोनों को मिलाकर, मतलब ए यूनियन बी मतलब ए का भाग और बी का भाग दोनों को मिलाकर ये सिंबल हो जाएगा हमारा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे अब। तो इसमें क्या है कि दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा हमारा फ्रेंड, दोनों में कॉमन भाग, दोनों में कॉमन भाग या फिर दोनों में जो शामिल है वो भाग हमारा हो जाएगा ये एन ए इंटरसेक्शन बी। और देखिए फ्रेंड्स अब मान लीजिए हमको ये निकालना है कि एन ए यूनियन बी निकालना है, तो हमारा ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, हमको अगर पता है तो ये हो जाएगा फिर ठीक है। अब देखिए अब अगर हम लोग को निकालना है ओनली ए, ओनली ए कैसे निकालेंगे हम, तो ओनली ए हम लोग को निकालना है तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओनली ए निकालने के लिए हमारा फ्रेंड यही फार्मूला है कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए वाले पार्ट में से कॉमन पार्ट को घटा देंगे तो हमारा ओनली ए वाला पार्ट आ जाएगा। अगर ओनली बी निकालना हुआ तो ओनली बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए हम लोगों का एक तो फिगर होता है, देखिए फिगर से हम आपको समझा देते हैं, ये हो गया फिगर हमारा इस सेट को समझने के लिए। तो देखिए ये जो है पार्ट हमारा, ये टोटल जो पार्ट हो गया हमारा, ये जो टोटल पार्ट हो गया, ये टोटल पार्ट हमारा हो गया एन ए यूनियन बी हो गया, टोटल पार्ट एन ए यूनियन बी हो गया। और ये जो ये बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली ए, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली ओनली बी पार्ट, ओके फ्रेंड। तो आइए एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में एवं 75% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, जब दोनों विषयों में 48% विद्यार्थी फेल होते हैं, जबकि देखिए किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में एवं 75% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, जबकि दोनों विषयों में 48% विद्यार्थी फेल होते हैं, यदि अंग्रेजी एवं गणित मिलाकर 85 विद्यार्थी फेल हुए हो तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंपल हम देखेंगे फ्रेंड कि अंग्रेजी में कितना बच्चा लोग पास हुआ है, तो 60% बच्चा पास हुआ है, और मैथ में हमारा 75% बच्चा पास हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है फ्रेंड कि जबकि दोनों विषय में 48% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो टोटल मान लीजिए टोटल विद्यार्थी 100% है, तो 100 में से 48 फेल हो जाते हैं, तो पास कितने होते हैं, पास होते हैं आपके 52% विद्यार्थी टोटल पास होते हैं दोनों मिला के। तो अब देखिए फ्रेंड्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके लिए पहले सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए ये मान लीजिए इंग्लिश वाला हो गया, अब ये मैथ वाला बच्चा हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश वाला बच्चा देखिए तो इंग्लिश वाले बच्चे हमारा दे दिया है ये 60 दे दिया है, और मैथ वाला बच्चा दे दिया हमारा 75, ठीक है।
25% बच्चे मैथ में पास होते हैं, और टोटल यहाँ पे कितने पास होते हैं, टोटल 52% दोनों मिलाकर बच्चे पास होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 52 के बराबर। तो 60 में 52 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ओनली इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी जो है वो है 8% है। उसके बाद देखिए 75 में से हम लोग 52 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स 23, जो कि केवल गणित में पास होने वाले बच्चे हैं, वो जो कि 23% बच्चे केवल गणित में पास होते हैं। अब ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को आएगा फ्रेंड्स देखिए 52, 8, 60, 60, 80, 83% बच्चे टोटल पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं हमारे 100 - 83 = 17%। 17% बच्चे टोटल परीक्षा में फेल हुए हैं। तो ये 17% कितने के बराबर हो जाएगा, 17% = हो गया हमारा 85 के बराबर। तो 100% निकालना है हम लोगों को, क्योंकि टोटल टोटल परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं ये हमको बताना है। तो 100% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 85 × 100 / 17 कर देंगे तो 17×5 = 85 आ जाएगा हमारा आंसर 500। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि परीक्षा में टोटल विद्यार्थी 500 शामिल हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले परसेंटेज का हमारा 3 क्लास हो चुका है, तो सभी क्लास आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।